कल मैं संयोग से भगवान ने हमें बचाने का काम किया तो मैं आवास पे नहीं। कई केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे लोगों की हत्या की जा रही है। देख लीजिए, कल मैं आवास पे नहीं था और 15-20-30 लड़कों के हुजूम ने जिस तरीके से आपस में मारपीट करने का काम किया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का काम किया कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी दे देंगे, तो कल मैं संयोग से भगवान ने हमें बचाने का काम किया, कल मैं आवास पे नहीं था। और मैं जब आया आवास पे तो इस तरीके का यहाँ के गार्ड ने पूरे तरीके से सच्चाई बताने का काम किया कि इस तरीके का मामला हुआ है। तो हम यही केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे लोगों की हत्या की जा रही है। बिहार में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की, चाहे व्यवसायी लोग होंगे, चाहे नेता लोग होंगे, चाहे कोई भी लोग, चाहे आम जनता हो गए, तो पूरे तरीके से हत्या का जो तांडव है बिहार में खासकर चल रहा है। और अपराधी से सब लोगों को डर है, सबको भय है कि कब कहाँ आदमी कोई कहाँ जाएगा, किसको मार देगा, क्या कर देगा, नहीं कर देगा। ऐसे में देखते हुए में हमने ये मांग किया केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि हमारी सुरक्षा वायु श्रेणी की जाए। और पहले भी हमने मांग किया था, पहले भी इस तरीके का कुछ हमारे साथ ट्रेजरी घटना हो चुका है, तो हमने पहले भी मांग किया और लगातार हमने मांग करने का काम किया। केंद्र सरकार ने तो देने का काम किया वायु सुरक्षा, लेकिन यहाँ बिहार सरकार उसको नहीं फॉलो ये किया। हमको 2019 का ही मामला है, जब 2019 में ही हमारा ये मामला हुआ था, 2019 से लेकर के अभी 22 चल रहा है। अच्छा, ये लोग कौन थे जिस तरह से जो हरकतें हुई हैं, जो घटना? अब देखिए, मेरा तो किसी से व्यक्तिगत कोई ये है नहीं, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था नहीं। अब कौन है क्या है, दुश्मन लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी काबिलियत से जलते होंगे, वो लोग होंगे। कैसा भी कि जानबूझकर सुरक्षा नहीं दिया जा रहा, इस तरह की घटना हो रही है, तो जानबूझकर सुरक्षा नहीं दे रहा, हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। जिम्मेदारी किसकी होगी? कुछ भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी और बिहार सरकार की होगी।